गाइस पिछले कुछ दिनों से आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा है एनएसटूल प्रो का कुछ प्रॉब्लम को लेकर। अगर एक बंदे का होता तो ठीक था, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम कॉमन है और सभी के साथ हो रहा है, और प्रॉब्लम छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वाला प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को मैं क्लियर करूंगा। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसा सवाल जो आप लोगों का दिमाग में आता है, और ऐसा कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन जो मुझे लगा कि क्लियर करना चाहिए, तो मैं सारे कुछ क्लियर करूंगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि एनएसटूल इंडिया का नंबर वन ऐप है ग्लिच ऐप, और इसमें बहुत सारा लोचा चल रहा है, उस लोचा भी क्लियर करूंगा। ऐसा बहुत सारा सवाल है छोटा मोटा जो हर एक एनएसटूल यूजर को जानना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप कर कब देखते रहो। और गाइस आप लोगों को तो पता है कि मैं एनएसटूल का हर एक प्रॉब्लम के ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाया हूं, और मेरा कुछ वीडियो पे लाखों के ऊपर भी व्यूज है। तो उधर से मुझे कमेंट में जो क्लियर करूंगा उनमें से कुछ सवाल आप लोगों को पता भी हो सकते, तो कुछ आपको नया सीखने को भी मिलेगा एनएसटूल के ऊपर। और दोस्तों मेरे चैनल पे स्ट्राइक है, और गैरी नवाल ने खुद मुझे स्ट्राइक दिया, और मेरा दिमाग भी खराब था, मेरा तबीयत भी खराब हो गया, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया, लेट वीडियो मेरा आ रहा है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा, टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो कि गैरी नवाल ने मुझे स्ट्राइक क्यों दिया, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एनएसटूल प्रो इस ऐप पे सबसे तगड़ा वाला जो प्रॉब्लम हो रहा है, और मुझे सबसे ज्यादा जो कमेंट आया, तो कमेंट ये है कि भाई मैं एनएसटूल का ग्लिच को रिमूव कर नहीं पा रहा हूँ। गाइस सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रहा है, और इसका सॉल्यूशन मुझे पता है, मैं डिटेल्स में पहले दिखाऊंगा कि देखो रिमूव मैं कर रहा हूँ लेकिन रिमूव नहीं हो रहा है, और हटाया कैसे, कैसे हटाया जा सकता है सब बताऊंगा, ठीक है। कुछ बंदे तो ऐसा भी कर रहे हैं कि ऐप को डिलीट कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसका ग्लिच रिमूव नहीं हो रहा है, और कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है कि उसका हैक वाला जो ग्लिच है वो तो हट गया लेकिन ड्रेस वाला ग्लिच नहीं हट रहा, और कुछ बंदे का ऐसा भी कमेंट है कि मेरा ग्लिच वाला भी नहीं हटा और हैक वाला भी नहीं हटा, अगर मैं हैक वाला हटा नहीं पाया तो मेरा आईडी तो बैन हो जाए। तो गाइस टेंशन मत लो, आपका आईडी बैन नहीं होगा, मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ दिखाऊंगा कि आपका हैक वाला भी रिमूव हो जाएगा आसानी से। तो गाइस अभी जो वीडियो चल रहा था उसमें आप सभी ने देखा कि मेरा एनएसटूल का जो ड्रेस वाला ग्लिच है वो एक्टिवेट है, और अभी मैं रिमूव करने के लिए स्क्रीन टूल को ओपन कर ले 5 to 10 के अंदर जाऊंगा, क्योंकि मेरा एंड्रॉइड वर्जन 10 है, और इधर से सेटिंग के ऊपर जाकर रिमूव आइटम पे क्लिक करने के बाद जो ग्लिच है वो रिमूव हो जाता। पहले रिमूव होने के बाद एक अपडेटेड मांगता है फीपर पे 96 MB और फीपर मैक्स पे 104 MB, फिलहाल अभी अपडेटेड नहीं मांग रहा है और रिमूव भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रिमूव नहीं हो रहा है भाई, ऐसा अगर आप करोगे तो रिमूव नहीं होगा। जो लोग नया कर रहे हैं इस ऐप को यूज़ तो उन लोगों का रिमूव होगा, और जो लोग पुराने हैं यानी एनएसटूल वाला ऐप में अपडेट से पहले जो लोग ड्रेस बंडल वाला ग्लिच कर रहा था उन लोगों का रिमूव नहीं हो रहा है और रिमूव होगा भी नहीं। रिमूव करने के लिए खास तरीका है, देखो पहले क्या होता था, जब आप रिमूव करते थे जो फाइल जो आपका जिन सारे फाइल को कन्वर्ट कर देता था एनएसटूल ग्लिच के ऊपर, तो उस फाइल डिलीट हो जाता, लेकिन अपडेट के बाद एनएसटूल प्रो इस ऐप पे बहुत सारा चेंजेस आ गया। जैसे कि पहले अगर एनएसटूल आप यूज़ करते तो उसके अंदर आपको लोकेशन वाला हैक मिलता, और उसी के साथ साथ कहाँ पे क्या लूट है इन सब हैक इनमें थोड़ा बहुत था, ठीक है। आप पॉपुलर होने के लिए जैसे हैक का इन लोगों ने थोड़ा यूज़ किया, अभी हैक क्यों नहीं वो भी मैं बताऊँगा, और पहले हैक क्यों वो लोग डाल रहे थे आपके अंदर वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा बाद में। लेकिन पहले जब आप ड्रेस बंडल वाला ग्लिच करते तो उसके साथ अगर आप हैक भी अगर कर लेते थे तो जब रिमूव करते तो एक साथ सभी रिमूव होता था, लेकिन अभी ऐप में अपडेट आने के बाद पुराने सारा सिस्टम पूरा बदल दिया, इसीलिए पुराने वाला जो ग्लिच आप लोगों का फाइल के अंदर हो चुका है वो नहीं हटेगा। अगर इधर से रिमूव करोगे तो नहीं हटेगा, अगर आप नया यूज़र हो, नया यूज़ कर रहे हो, इधर से जो ग्लिच आ रहा है इसको यूज़ करो तो इधर से हट जाएगा लेकिन पुराना नहीं हटेगा। और आपके पास एक ही रास्ता है, आप अगर चाहे आप ऐप डिलीट ही क्यों ना कर दो आपका नहीं हटेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो यार मैंने ऐप डिलीट कर दिया लेकिन फिर भी नहीं हट रहा है। तो आपके सामने जो रास्ता आपको गेम डिलीट करके ओपन करना होगा, या फिर गेम के अंदर जाके जो कलेक्शन वाला फाइल है उसको डिलीट करके दोबारा आपको डाउनलोड करना होगा, तब आपका हैक भी हट जाएगा। और हैक तो यार ऐसे ही हम लोगों का तो ऐसे ही हट गया लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं हटा। तो अगर आप डिलीट करके डाउनलोड करोगे या फिर ग्लिच जो फाइल में जहाँ पे कलेक्शन रहता है अगर उसको आप डिलीट करके डाउनलोड करोगे तो आपका हैक भी हट जाएगा और उसके साथ ग्लिच भी हट जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से इस आपको डाउनलोड करके यूज़ करो और इधर से सेटिंग्स आप रिमूव करोगे तो रिमूव हो जाएगा आपका। तो भाई देखा आपने, मैंने ऐप को डिलीट भी कर दिया लेकिन फिर भी ग्लिच काम कर रहा है। ड्रेस वाला ग्लिच से, बंदूक वाला ग्लिच, सीमेंट वाला ग्लिच से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका हैक वाला ग्लिच चल रहा है ना, ऐप वाला भी हैक को हटा दिया, पूरा रिमूव कर दिया, क्योंकि ऐप के अंदर आपको कोई भी हैक अभी देखने को नहीं मिलेगा, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आपका हैक वाला ग्लिच फिर भी हो रहा है तो भाई आपका गेम को डिलीट करके डाउनलोड करो। अगर आपको डिलीट नहीं करना तो फाइल के अंदर जाके इसका जो फाइल होता है ना जहाँ पे कलेक्शन वगैरह रहता है उस कलेक्शन फाइल को डिलीट करके दोबारा उसको डाउनलोड करो, फिर सही हो जाएगा, ठीक है। बस एक ही एक रास्ता है, और जो लोग नया यूज़ कर रहे हैं इस वाला ऐप को तो उन लोगों का तो ऐसे ही सेटिंग से रिमूव हो जाएगा। तो अभी बात आती है कि इस वाला गेम पे जो हैक होता था, जैसे कि कहाँ पे क्या लूट है पहले वो दिखाता था, वो हट के ऐसा है कि बंदे का लोकेशन दिखाता था, उसको क्यों हटा दिया। तो गाइस कुछ दिन पहले ट्रेन पे चल रहा था, लोग ऐसा ऐप ढूंढ रहे थे कि प्ले स्टोर पर जिससे हेडशॉट या फिर बंदे का लोकेशन ऐसा कुछ हो सके, तो उसी चीज़ को ये लोग फॉलो करके ऐसा ऐप लेके आया जहाँ पे बंदे का लोकेशन दिखाता था, या कहाँ पे क्या लूट उसका लोकेशन दिखा रहा था, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसने हैक करके रखा है, और आईडी पे रिपोर्ट नहीं आएगा तो आईडी बैंड कैसे होगा। तो उससे इन लोगों का ऐप का बहुत सारा प्रमोशन हो गया, अभी इस ऐप का बहुत सारा यूज़र है। तो
ऐप को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने के लिए हैक का सहारा लिया, ये भी हो सकता है। दूसरी बात, लोगों के पास ऐप पहुँच गया तो इसीलिए हैक हटा दिया। दूसरी बात, प्ले स्टोर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर अर्निंग की अगर बात करो तो यूट्यूब फेसबुक से जितना कमाई होती है उसका 10 गुना या ज़्यादा कमाई होती है ऐप से, प्ले स्टोर का अगर आप कोई ऐप है बना के डाल दो तो भाई प्ले स्टोर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हैक का वो लोग कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अगर बाई चांस मान लो फ्री फायर ने कंप्लेन मार दिया कि इधर से हैक वगैरह होता है, प्ले स्टोर से अगर ऐप को डिलीट कर देगा ना, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था उसके बाद से मेरा चैनल पे स्ट्राइक अगर मैं हैक सिखाता तो भाई मेरा चैनल का क्या हाल होता है खुद ही मान लो। अगर प्ले स्टोर से इस ऐप को हटा देगा ना तो इस लोगों का अर्निंग बहुत सारा कम हो जाएगा, इसीलिए भाई हैक वाला फीचर्स इन लोगों ने ऐप से हटा दिया। अभी एक सवाल आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि दोबारा गेम पे हैक वापस आएगा फिर नहीं, तो दोस्तों माय अकॉर्डिंग गेम पे हैक दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि यार उन लोगों का ऐप डिलीट हो जाएगा ना तो अर्निंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। दोस्तों फ्री में कोई नहीं काम करते भाई, पैसे के ऊपर ही काम होता है सारा मजरा पैसे के। अभी इससे तो भाई ड्रेस बंडल का ग्लिच हो रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है, लोग उसी से ही काम चला लेगा। ऐप इन लोगों का जैसे डाउनलोड हो रहा है ऐसे ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का जो कंप्यूटर स्क्रीन टूल था वो भी मार्केट से हट चुका है। तो मेरे ख्याल से इस वाला गेम पे दोबारा हैक नहीं आएगा।